नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया। मेरे साथ में हैं एसएम सैयद मोहम्मद जहीर साहब, कॉमनली नोन एज एसएम। आप सब लोग चेहरे को देख के पहचान जाएंगे कि एक्टर हैं, सीरियल्स के अंदर में आते रहे हैं। छोटी सी मुलाकात इनके साथ में, और वो है मेडिकल प्रोफेशन एंड एक्टिंग के साथ में। मेरा पहला सवाल एक सिंपल है जी, ए डॉक्टर हैज टू बी एन एक्टर, बिकॉज आप लोगों को एक मिनट पहले आपका चेहरा हंस रहा है तो दूसरे मिनट में आपको एक्टिंग करनी है कि चेहरा उदास है, कहीं पे रो रहा है। बिल्कुल। तो मैं भी ये सोचता हूँ कि डॉक्टर्स के जो इमोशंस हैं वो हमेशा खुश होने चाहिए। कोई मरीज मृत्युशैला पे है तो भी डॉक्टर बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर डॉक्टर इमोशनल हो गया तो मरीज का इलाज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक्टिंग के कुछ गुण सिखाइए डॉक्टरों के लिए। नहीं, खैर डॉक्टर वाकई में एक्टर भी बहुत अच्छे होते हैं और डॉक्टर तो होते ही हैं खैर, और उन्हें भगवान का दर्जा भी दिया गया है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम एक्टर लोगों को खुश करते हैं, अपनी एक्टिंग के ज़रिए लोगों को मुतासिर करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, रुलाते हैं और हर तरह का हम उनको एंटरटेन करते हैं। लेकिन डॉक्टर जो होता है वाकई में भगवान होता है। अगर वो रियल में किसी पेशेंट का अच्छे से देखभाल करता है तो पेशेंट उसे दिल से दुआ देता है और दिल से उसको मानता है कि हाँ भाई, ये मेरा भगवान है, मैंने अपनी जान इसको सौंप दी, अब ये जो कुछ करेगा। लेकिन कुछ कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ डॉक्टर आजकल पैसे के पीछे इतना भाग रहे हैं कि वो बिल्कुल देखते ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं, बस उन्हें पैसे से मतलब है। कुछ डॉक्टर की बात कर रहा हूं मैं, सभी नहीं। उसका एक छोटा सा सोल्यूशन है जी, क्या वापस फैमिली डॉक्टर्स के पास जाइए, उस कॉन्सेप्ट को जो खत्म हो गया है। अच्छा, एक आपकी फैमिली का पार्ट एक डॉक्टर भी होना चाहिए। अच्छा, जो आपकी फैमिली का, फिर वो आपका डिसीजन, क्योंकि उसको हर चीज के बारे में मालूम है, नॉलेज रहेगी जी, वो आपका गाइडेंस फोर्स होगा जो सदियों से चला आ रहा है। हर एक का एक फैमिली वैद्य हुआ करता था पुराने जमाने में। बिल्कुल बिल्कुल। फिर फैमिली डॉक्टर हुआ, अब वो धीरे 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 आप सीधा नए डॉक्टरों के पास जा रहे हो, उसको आपकी सोशल लाइफ के बारे में नहीं पता, नहीं आपकी लाइफ के बारे में नहीं पता। जी जी, उसको जब पुरानी चीजें पता ही नहीं, वो सारे टेस्ट कराएगा। फिर अगली बार किसी दूसरे के पास चले जाओगे, वो सारे टेस्ट कराएगा, तो ट्रीटमेंट कॉस्टली होता चला जाएगा। तो अगर हमारी एक फैमिली डॉक्टर हो और वो ही मेरे सारे डिसीजंस ले तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कही, डॉक्टर अग्रवाल साहब ने। रियल में अब लोग काफी भूलते जा रहे हैं, अब जाते हैं कहाँ कि नहीं नहीं यार, उस डॉक्टर को दिखाना है, फलाना डॉक्टर के पास जा रहे हैं। वाकई में एक फैमिली डॉक्टर जरूर होना चाहिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मैं भी, हालांकि मेरा है फैमिली डॉक्टर, डॉक्टर शर्मा करके हैं मेरे, जो सारा मेरी फैमिली का इलाज करते हैं, मेरा इलाज करते हैं। और मैं सब लोगों से भी यही कहूँगा कि फैमिली डॉक्टर एक होना चाहिए ताकि आपको किसी चीज़ की तकलीफ ना हो, क्योंकि फैमिली डॉक्टर जैसा आपने कहा कि हर चीज के बारे में जान सकता है, आपकी जानता भी है, और वो पार्ट ऑफ दुख सुख में पार्ट ऑफ फैमिली होना चाहिए। फैमिली होना चाहिए। यू जैसे जैसे पुराने जमाने में कुरुगुल हुआ करते थे। जी 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 जी, चाहे मौलवी हो चाहे पंडित हो, बिल्कुल मेरे एक कुरुगुल है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, इनसे बिना पूछे कुछ करना नहीं, नहीं करना। वैसे ही हमारा एक कुरु डॉक्टर कुल का डॉक्टर होना चाहिए। बिल्कुल, जो भी पूछना है इससे पूछेंगे, ये डिसाइड करेगा मेरे बारे में, मेरे बारे में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, उसको आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी मालूम है। सही बात है, ठीक है। वो आप किसी बड़े डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आप शर्मा बता भी नहीं पा रहे मेरा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसको बताने की जरूरत ही नहीं है, बताने तो बचपन से आपका मालूम है। बिल्कुल, उसे मालूम है कि आपका इलाज कहाँ कराना है। हकीकत है, सही बात है। फिर भी एक्टिंग के कुछ गुण तो सिखाइए डॉक्टरों के लिए, एक्टिंग कैसे करते हैं? डॉक्टर साहब, गुण सिखाने से नहीं आते। ये है कि मैंने थिएटर शुरू किया था, हबीब तनवीर साहब का नाम अगर आपने सुना हो, हबीब तनवीर साहब के साथ मैंने थिएटर शुरू किया आगरा बाजार वगैरह, उनके साथ तकरीबन 3 साल रहा। जेएनयू के पास उन्होंने बेरसराय में थी, तो वहाँ हम लोग जाते थे, वहाँ जाके बैठ जाते थे, सीखते थे, देखते रहते थे, सीखते थे। फिर उन्होंने हमें धीरे धीरे काम देना शुरू किया और फिर उसके बाद से फिर वो चले गए, भोपाल शिफ्ट हो गए, तो मेरा जाना उधर मुश्किल था, मैं सीरियलों की तरफ चला गया। डॉक्टर साहब, ये बात दिल से आती है निकल के। अगर आप एक्टिंग के लिए कहीं जा रहे हैं, देखिए जब आप किसी प्रोफेशन में जाते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो, जब तक आप पूरी तरीके से उसमें डूब ना जाए आप कुछ सीख नहीं सकते। हम लोग क्या था, मेरे पास उस वक्त बिल्कुल पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन हम लोग जाते थे क्योंकि एक जुनून था कि नहीं यार, हमें कुछ करना है।
तो हबीब साहब के यहाँ हम जाते थे 4-5 बजे, हमारे पास जीटीसी तक के पैसे नहीं होते थे, किस तरह हम पहुंचते थे ये हमें ही पता है। बहरहाल वहां से फिर वो कितने बजे हमें छोड़ेंगे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। 12 बजे बिल्कुल ना तो कोई बसें होती थी ना कुछ होता था, हम लोग आईआईटी छोड़ते थे, वो हमें आईआईटी छोड़ के वो कहते थे ठीक है अब तुम लोग चले जाओ। अब हम वहां से पुरानी दिल्ली जाते थे क्योंकि उस वक्त मैं पुरानी दिल्ली में रहता था, अब तो मैं लक्ष्मीनगर में हूँ। तो एक जुनून था, एक सीखने की चाह थी, तो वो हम उनके साथ बैठ के सीखते थे। उसके बाद से फिर मुझे सीरियल मिलना शुरू हो गए, प्रकाश झा जी के साथ मैंने काम किया सुनहरे सपने में, उसके बाद फिर कई बीबीसी के लिए किया, एक दो फिल्में भी की। फिल्में में अभी एक रिलीज होने वाली है बहुत जल्द, ब्रह्मयुद्ध करके, थॉट ऑफ जिंदगी की कुछ ऐसा इस तरीके से कि फिल्म का नाम लिया जा रहा है, तो वह है। लेकिन जहां तक एक्टिंग सीखने का ताल्लुक है, डॉक्टर को हमेशा किसी पेशेंट के पास अगर जा रहा है वो, तो वो उसका बन के जाए, ये नहीं कि मैं एक डॉक्टर हूं तुम एक पेशेंट हो, नहीं, उससे बाकायदा अगर वो आप ये टच भी कर देंगे तो उसको ही लगेगा मेरा कोई अपना है, मेरा भगवान मुझे देख रहा है और मैं ठीक होके ही जाऊंगा। सिर्फ मेरा एक और आखिरी सवाल है कि अगर पेशेंट अपसेट है, यहाँ मेरा उसको बैड न्यूज देनी है, सपोज उसके रिलेशन को बोलना है किसी की डेथ हो गई या ये बचने वाले नहीं है, तो उस टाइम में अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, क्योंकि वो एक्टिंग आ गई, बिल्कुल बिल्कुल चाहे अंदर से चाहे एम्पैथी आ गई, बिल्कुल कई बार हम लोग भी स्ट्रेसफुल होते हैं, उस बिल्कुल। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपने आप को शांत कैसे करें? उस स्ट्रेसफुल में अपने आप को शांत, एक तो पेशेंट को बिल्कुल ये ना कहें कि जी बस आपका ये लास्ट, उसको बस दिलासा देते रहे नहीं बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, उसके जहन में मतलब ये ना आए। मैं जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था डॉक्टर साहब, मेरा लीवर बस्ट हो गया था, तो जब मुझे एडमिट कराया गया मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बच जाऊंगा। तो मुझे जिस डॉक्टर ने देखा था वो आया मेरे पास, बोला हाँ जी क्या क्या प्रॉब्लम है, मैंने मुझे बस तकलीफ हो रही है यहाँ पे, ये चुभन हो रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि अंदर ही था वो सब ब्लड बिल्कुल जम चुका था अंदर ही अंदर। तो मैंने भाई मुझे बहुत ज्यादा चुभन हो रही है और बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। कहें कोई बात नहीं, मैं आपका कुछ वो देख लेता हूँ, एग्जाम कर लेते हैं क्या क्या है क्या नहीं। उन्होंने जब भी मुझे एग्जाम किया मुझे ये कहा कि सिर्फ छोटा सा एक ऑपरेशन होगा आपका, ठीक है। उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आपका अंदर से वो फट गया है, लीवर बस्ट हो गया है और आप ये मुश्किल है जीना, लेकिन जो मेरे रिलेशन में थे मेरे उनको उनको सच बता दिया। उन्होंने बताया कि भाई इसकी बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है और हमारी कोशिश यही रहेगी लेकिन 70% ना है उन्हें, उन्होंने तो मुझे उन्होंने जो दिलासा दिया मैं बिल्कुल मुतमईन था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद उन्होंने जो मुझे ऑपरेशन, वो तकरीबन 5 या 6 घंटे ऑपरेशन चला, उस जब वो मुझे टांके लगा रहे थे तो मुझे होश आ गया था, मैंने अपना वो काट लिया था बिल्कुल। खैर बहरहाल टांके लगे, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा चुपके से जहीर, मैंने उनको हाँ जी डॉक्टर साहब ठीक हो, मैंने जी ठीक हो। तो इस तरीके से मतलब अगर आप डॉक्टर मुझे ये बता देता कि नहीं भाई आपके चांस नहीं है जिंदा रहने के, तो मैं तो जब ही मर लिया था। तो आज का मैसेज जहीर साहब का यही है कि हमेशा दिल से पेशेंट, और कभी भी उसको डराओ नहीं, फियर मत क्रिएट करो, नहीं तो डॉक्टर पेशेंट जो है वो आपका फेथ आपके ऊपर से हट जाएगा। मेरा आखिरी सवाल, पुरानी दिल्ली में कहाँ रहते थे? मैं पुरानी दिल्ली में पहले था जहां गालिब रहा करते थे, गली कासिम जान, गली कासिम जान की मेरी पैदाइश है। वहां से आने के बाद फिर मैं लक्ष्मीनगर में शिफ्ट हो गया, मैं तो हौस काजी की, कस्तूरबा हॉस्पिटल की पैदाइश हूँ, हौस काजी अच्छा में रहा हूँ, ASVJ में पढ़ा हूँ, दरियागंज अच्छा मछली हो, तो वहां से हौस अच्छा काजी थाने से दरियागंज तक बचपन में रोज पैदल जाते लीजिए, ये तो हमारे नजदीकी हैं, फिर तो हमें तो पता ही नहीं था आज थे। तक। सो मैसेज यही है आप सब लोगों के लिए कि जो वायलेंस डॉक्टर्स के खिलाफ हो रहा है उसको रोकें, बिलीव इन योर डॉक्टर्स, डॉक्टर्स और अपने फैमिली डॉक्टर पे जरूर उस कॉन्सेप्ट को लेकर आए, क्योंकि अगर आप पहली बार किसी एक डॉक्टर के पास जाओगे जो आपको नहीं जानता, तो वो अगर वो टेस्ट कराता है तो हो सकता है वो अननेसेसरी टेस्ट ना हो, क्योंकि उसके बारे में आपको, उनको आपके बारे में कुछ पता ही नहीं, तो वो टेस्ट करवाता भी है तो उसको आप रोक सकते हैं अगर आपका फैमिली डॉक्टर हो। थैंक यू जहीर जी टू बी हियर विद थैंक अस, यू अग्रवाल साहब, वी विल कम बैक विद वन मोर इंटरव्यू राइट आफ्टर दिस। थैंक यू।